हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम जानेंगे कि हॉस्टल्स में नाश्ता कैसे बनता है। सो आज हमारे हॉस्टल में बन रहा था नाश्ते में बर्गर। सब कोई बहुत एक्साइटेड था। अंकल ये अभी फिलहाल तो आलू की टिकिया तल रहे थे। ये आज वो उसमें कुछ मसाले डाल करके उसकी टिकिया बनाया अंकल ने। पहले तो ये रिफाइंड ऑयल यूज़ कर रहे थे। ये हमारे रघु भैया ब्रेड लेकर के खड़े हुए हैं। वैसे काफी बड़ा बड़ा वाला था ब्रेड। ये हमारे चौथमल अंकल जो साइड में बर्गर बना बना के रख रहे थे। ग्रुप वर्क था, सब लोग एक साथ मिलके कर रहे थे, पर अभी अंकल तल रहे तो चौथमल अंकल बना बना के रख रहे थे। यम्मी बर्गर। वैसे बर्गर बहुत टेस्टी बना था, इसमें नो डाउट। और ये रघु भैया ब्रेड डाल रहे हैं। इसे अंकल बस कुछ सेकेंड के लिए इसे बस तेल में तल रहे थे, तुरंत निकाल भी ले रहे थे। इतने क्यूट दिख रहे थे ना ये ब्रेड्स, उसमें तेल में गोल 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 मोलू से। हाँ तो इसे गोलू मोलू के लिए गोल मोलू से। ये हमारे धर्मवीर अंकल ब्रेड्स को तलते हुए बहुत प्यारी स्माइल देते हैं। और ये अंकल ने ब्रेड तल के और निकाल दिया, निकाल करके उधर साइड में स्लैब पे अंकल इसे रख देंगे। रघुवीर भैया पूरे जोरों शोरों से ब्रेड के पैकेट खोलते हुए और भैया थोड़ा संभाल के डाल रहे थे कि ऑयल जो है तो पूरा छींटे मारा। भैया सारा ब्रेड डाल के फिर से साइड में खड़े हैं पवन। सच में ना ये ब्रेड्स बहुत ही प्यारे लग रहे थे। अंकल इसे काट काट इतने फटाफट अंकल कर रहे थे। मैंने पूछा अंकल आप इतने जल्दी जल्दी कर कैसे लेते हो, दिमाग काम करता है एक ही बार में काटना है क्या? तो अंकल बोले हाँ हाँ पूरा दिमाग काम करता है। तो अंकल इसे काट करके फटाफट साइड में रख रहे थे। अंकल ने लगाया सॉस। ये अंकल का कोई स्पेशल सा टोमेटो सॉस है, पता नहीं किधर से वो लेके आते हैं। ये स्पेशल है, बड़े बड़े गैलन में आता है। मैंने रेडी कर दिया के। एक्चुअली मेरा स्किप हो गया, वो अंकल मुझे साइड कर रहे थे कि आप साइड हो जाओ जल जाओगे, इस वजह से मैं ले नहीं पाई। अभी लास्ट में लिया है मैंने आगे है। तो अंकल अभी जैसे रख रहे थे सारे के सारे यूं यूं खत्म। देखो अभी तीन रखा अंकल ने, दो खत्म। अभी तुरंत यूं यूं जैसे बना बना के रखा अंकल वैसे वैसे सारे के सारे लड़के आके एक एक बर्गर खा लेंगे। अनलिमिटेड, ऐसा कोई लिमिट नहीं था। ये अंकल पत्ता गोभी डालते हुए, फिर अब अंकल शायद से कोई मसाला, ये कोई स्पेशल मसाला जो अंकल ने बना के रखा हुआ था, तो चुटकी चुटकी बस सब पे डाल रहे थे। मैंने पूछा अंकल है क्या, तो अंकल ने कहा कि मसाला है। मैंने बोला बर्गर मसाला, तो कह रहे हाँ। सोच रहे कि बर्गर में कौन सा मसाला, ये आलू की टिक्की डाल रहे हैं। फिर इसके बाद से अंकल टिक्कियां सजा देंगे इसके ऊपर। रख रख के इसे प्रेस कर रहे थे अंकल। कुछ टमेटो मेरे फेवरेट हैं, राइस टमेटो फेवरेट। ये कुछ कुकम्बर की खीरा, अंकल खीरा रख रहे हैं। इसकी वजह से उसका टेस्ट और बढ़ गया था। टमेटो टमाटर अंकल अपने हाथ में सारा भी यूं रखेंगे और फिर यूं 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 चुटकियों में खत्म हो जाएगा। पर मुझे पता है खाने से ज्यादा इसे वीडियो के लिए बनाने में शूट करने में मजा आ रहा था। पर ऐसे अंकल देखो अभी ये हाथ लगाई तुरंत तुरंत खत्म। बहुत मतलब बर्गर बहुत टेस्टी बना था। थैंक यू अंकल, अगर आप सुन रहे हो तो मतलब बहुत टेस्टी था। उसमें भरे हुए हैं फूले फूले ब्रेड्स।
ख्याल से मैंने फोन पकड़ा हुआ था, अभी पकड़ती तो मैंने प्लेट में ले लिया, क्योंकि पकड़ती तो फिर वो फोन में ऑयल लग जाता। अंकल कह रहा है कि पहले जितनी लड़कियां हैं सबके भी वीडियो ले लो, तो मैंने बोला हाँ अंकल आप चिंता मत करिए मैं सबके ले लूंगी। और ये अभी साइड में रात के भी खाने का प्रिपरेशन हो रहा था, सारी हॉस्टल लड़कियां मतलब सारी नहीं है, कुछ कुछ है अभी तो कुछ कुछ अपने बिल्डिंग में गई होंगी, क्लासेस चल रहे होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो गिव इट अ लाइक एंड सब्सक्राइब इट एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।